यस बेटे अपना रिवीजन स्टार्ट करनी है अज व्याकरण दी। समासी शब्द करने हैं, मुहावरे करने हैं, गग्गा ते कग्गा पाक और वो आर्थिक शब्द। ग्रामर करन तो पहला आपां गल करिए कि कल गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा है। पहला प्रकाश दिहाड़ा जिन्हें कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब जो कि कहिंदे सिखां दी धार्मिक पुस्तक ने, पर सारे धर्मां दे लोग सतिकार करदे आ। जिही धार्मिक पुस्तक है जिसका संदेश सारे धर्मां दे लई इक है कि परमात्मा इक है, असी सारे उस परमात्मा दे नूर तो पैदा होए हां। कि गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा वालों मिलिया होया, कुदरत वालों मिलिया होया एक कीमती खजाना है, तोहफा है, शब्दों का तोहफा, विचारों का तोहफा है। अजे विचार जिन्हां दे राही असी जिंदगी विच सही दिशा वाल विचरना है, कुराहे रस्ते तो बचना है, बुराइयां तो बचना है, ठीक है। चंगे गुणा दे नाल, चंगी भावना दे नाल असी जिंदगी विच अगे वधना है। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, ये धुर तो आई है बाणी। और गुरु अर्जन देव जी नूं यह सुभाग प्राप्त होया कि उन्होंने छे गुरु साहिबान की बाणी, भगतों की बाणी, भट्टां की बाणी, महापुरखों की बाणी, जिहदे विच फरीद जी है, कबीर जी है, ठीक है, उन्हां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया, मान बख्शिया उन्हां दी बाणी नूं। और सबदे बाणी की संदेश दिंदी है, एक पिता एक स्केहम बारक। और गुरु है जड़ा, गुरु ग्रंथ साहिब की है जो कि इंसान नूं सही रस्ता दिखाना है। क्योंकि जैसे चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना तो घोर अंधार है। गुरु है आपां कृपा करके बख्श लियो रचना पढ़ी है, उहदे विच की पढ़दे आं आपां, जिन हर हर नाम ध्याया नानक तिन कै जयकार, गुत उठे हर भ्रम मेलिया सब किल वे कट विकार। रीड किया सी बेटे रचना, गुरु ठूठे मीन्स गुरु प्रसन्न होए। ते गुरु नूं प्रसन्न किवें करना है, परमात्मा की सिफत करके, परमात्मा का नाम जप के। ते गुरु ग्रंथ साहिब नाम का खजाना है जिहदे विचों सानू, जिहदे नाल जुड़ के, गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़ के सानू सबर, संतोख, मिठास, निम्रता वर्गे गुण प्राप्त होने हैं, विचार प्राप्त होने हैं, जिन्हां राही असी जिंदगी च विचरना, ते विकारां तो मुक्ति मिलनी है, पापां तो, गुनाहां तो, अपराधां तो, ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिहड़े साडे पंज विकार ने, जिन्हां करके असी दुनिया विच विचरदे अपने सही मकसद नूं भुल गए। और यह सानू रस्ता किसने दिखाना है, गुरु ग्रंथ साहिब जो साडे सांझे गुरु ने। एक अनमोल खजाना परमात्मा वालों मिलिया, ठीक है। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु ने सारे, प्रतख गुरु है साडे सामने। आग्या पई अकाल की तबे चलाए ओ पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ओ ग्रंथ। कि गुरु किसनूं मनना है, पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सानू फलसफा, जो सानू संदेश दे रहा, वो यही है, एक नूर ते सबजग उपजिया कौन भले को मंदे। यस, एक नूर ते सबजग उपजिया कौन भले को मंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सबजग उपजिया कौन भले को मंदे, किसी का हिरदा नहीं दुखाना, सब दे हिरदे मानक मोती हन, यो न ठाए कही दा मानक सब अमोल वे। क्लियर है बेटे। इस करके असी सिजदा करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कल प्रकाश दिहाड़ा है, उस दियां सबनों बहुत बहुत मुबारक, कि परमात्मा साढ़े ते कृपा बनाई रखे कि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी के विचारां नूं आधार बना के जिंदगी विच विचरीए। किस तरह विचरना है, सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान, सच दे मार्ग दे पांधी बनना है, अच्छी भावना दे नाल जिंदगी विच विचरना है, चंगे कर्म करने हैं। और स्टूडेंट लाइफ दे विच, विद्यार्थी जीवन विच कम ही पूजा है, ठीक है। अपनी पढ़ाई नूं दिल ला के सच्ची लगन दे नाल, मेहनत दे नाल, सिंसियर एफर्ट्स करते हुए करांगे ते फिर की है, ज्ञान वंडना है, ठीक है। विद्या विचारी तो परोपकारी, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही फलसफा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच विचार आया, विद्या विचारी तो परोपकारी है। जो विद्या असी ग्रहण करनी है उसनू आले दुआले नू उस विद्या का चानण फैला के
सारे आले दुआले नूं सुंदर बनाना है, अपने आप नूं सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने का मतलब है मन, क्योंकि बोली किहदा चित्तर है, आत्मा का चित्तर है। अपने बोलना ते काबू रखना है। आपां रचना पढ़ी है बोली, बोली साडा आत्मा का चित्र है, जिस तो साडे आत्मा दे घटिया जां वधिया होण दा पता चलदा। क्लीयर है बेटे, समझ आ गई? इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां सारिआं नूं ही, सारे बच्चिआं नूं ही बहुत बहुत मुबारकां कि परमात्मा तुहाडे सब ते कृपा बनाई रखे और तुसीं जिंदगी विच नेक कर्म करदे होए सफलता दीआं बुलंदियां नूं, उचाइयां नूं छुंदे रहो। ठीक है, चलो हुण आपां करिए ग्रामर बेटे। अज दा टॉपिक है अपना समासी शब्द। यस बेटे, समासी शब्द एक एक पहले दो दो तीन तीन एग्जाम्पल कर लो, लिख लो, फिर मैं तुहानूं एक असाइनमेंट दूंगी उहनूं सॉल्व करना। समासी शब्द कहिंदे किहनूं ने? दो जां दो तों वध शब्दां दे मेल नूं। समासी शब्द की लगा के बनता है? जोड़नी चिन्ह। हुण जोड़नी चिन्ह किसी किस्म है? जोड़नी चिन्ह किसी किस्म है? बोलो बच्चे, विश्राम चिन्ह दी, विस्मिक चिन्ह, संबंधक, योजक। विस्मिक तो गलत हो गया, विस्मिक चिन्ह तो ऑलरेडी आप ही। विस्मिक चिन्ह दी नहीं है, विश्राम चिन्ह दी। विश्राम चिन्ह दी किस्म है। विश्राम चिन्ह दे विच विस्मिक चिन्ह भी आंदा। जिवें पहला चिन्ह केड़ा आंदा? डंडी। जो वाक कंप्लीट हुंदा आपां किहदी वरतों करदे हां? डंडी दी। इह वी क्वेश्चन नोट कर लो, विश्राम चिन्ह दी उह केड़ी किस्म है जिहड़ी समासी शब्द बनाउण विच सहाई हुंदी है? केड़ी किस्म है बोलो? विस्मिक चिन्ह, जोड़नी चिन्ह, डैश कि कौमा? जोड़नी चिन्ह। जोड़नी चिन्ह किसी किस्म है? विश्राम चिन्ह दी। नोट करो, वन मार्क क्वेश्चन। जोड़नी चिन्ह लगा के समासी शब्द बनता है ते की हटा के? बोलो बेटे, योजक जां संबंधक हटा के। हुण आपां गल कर लईए योजक किन्नियां किस्मां नाल लगदा है। ये तो आपां रिव्यू ही कर रहे हैं बेटे, रिवाइज। आपां समासी शब्द दीआं सत किस्मां कीतीआं। पहलीआं पंज किस्मां जिहड़ियां ने ਉਹ ਅਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਬਣਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ? ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਦੈਨ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ, ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ? ਸਾਰਥਕ, ਨਿਰਾਰਥਕ। वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट दो किस्मा वाकंशा वाले समासी शब्द ते उर्दू फारसी वाले जेडे समान अर्थ रखते ने। हुण पहले दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लिखो। समान अर्थ अते लग के शब्द समूह बनता है, ना लिख लो अते लग के शब्द समूह बनता है। एक एक दो दो किस्मा लिखो, जिवें संगी साथी, लाल सूहा जां लाल सुरख। ठीक है, दैन प्रेम प्यार, गलबात, ये सारे की हन? समान अर्थ। अगे लिखो, नेक्स्ट लिखो विरोधी अर्थ, सवेर शाम, उच्चा नीवा, लाभ हानि, अंदर बाहर, हार जीत, दिन रात। ठीक है, नेक्स्ट पिन पिन अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ लिखो बेटे। हाथ पैर, हाथ पैर, सर्दी गर्मी बेटे विरोधी अर्थ है, केशव गलत हो गया। दाल रोटी, मिर्च मसाला, मिर्च अलग है मसाला अलग है, मिर्च मसाला, घ्यो खिचड़ी। ठीक है, खंड खीर, खंड अलग चीज है, खीर अलग है। ठीक है, हाँ ये है कि खीर विच ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖੀਰ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਖੀਰ। ਦੈਨ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ? ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਕੁਝ, ਗਲੀ ਗਲੀ, ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ,
जरूरी नहीं है कि मात्रा तो बिना ही होएगा। हथों हथी ये किताब हथों हथी विक गई, हथों हथी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक होर किस्म रह गई है जिसे अते ही लगना है, सार्थक निरार्थक। सार्थक निरार्थक च की आएगा, टेढ़ा मेढ़ा गोल मटोल, ठीक है, रोला रप्पा शोर शराबा, रोला रप्पा शोर शराबा, ठीक है बच्चे। ये केड़ी है सार्थक निरार्थक, जिदे विच पहले दा मीनिंग है दूसरे दा कोई मीनिंग नहीं। हुण आपां गल कर लईए दो किस्मां जिहड़ियां रह गईयां संबंधक लगा के जदों बंदियां ने, पहला उर्दू फारसी विच, उर्दू फारसी दे विच जां दा जां दी संबंधक यूज होने आ शब्द समूह बनाने लई। दा उत्थे यूज होना है जिहदा पहला वर्ड पुलिंग होएगा, जे पहला वर्ड स्त्री लिंग है तो दी। फॉर एग्जाम्पल शाने पंजाब, और उर्दू फारसी की पहचान है दो जोड़नी चिन्ह। हुण आपां पहला की लैवांगे पंजाब, हुण शान की है स्त्री लिंग, पंजाब दी शान। हुण दूसरा वर्ड है शेरे पंजाब, हुण की आ जाएगा पंजाब दा शेर, एक ही बन गया शब्द समूह, एक ही बन गया शब्द समूह। शब्द समूह का की मतलब है, शब्द समूह का की मतलब है योजक ते संबंधक लगा के बनाना, की हटा के जोड़नी चिन्ह हटा के, ठीक है बच्चे, क्लियर। के अगला है वाकंशा वाले समासी शब्द, वाकंशा वाले विच वाक दा अंश जिदे विच कला दा दी दी संबंधक नहीं है, जिस दे विच अलग अलग संबंधक लगने हैं सूटेबल शब्द दे अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल लोक राज, लोकां वास्ते राज, लोकां लई राज, लोकां अते राज, लोकां दा राज, लोकां दा राज, ठीक है। इसी तरह सेवा मुक्ति, सेवा दी मुक्ति, सेवा नाल मुक्ति, सेवा वास्ते मुक्ति, सेवा तो मुक्ति, सेवा तो मुक्ति, ठीक है। इसी तरह है भेड़ चाल, भेड़ा दी चाल, भेड़ा नाल चाल, भेड़ा बिना चाल, जा भेड़ा वर्गी चाल, भेड़ा वर्गी चाल, भेड़ा दी चाल नहीं, भेड़ा वर्गी चाल। इहदा मतलब होया वाकंशा वाले समासी शब्द विच अलग अलग संबंधक लगने ने, पर कदों, जदों असी समासी शब्द तो शब्द समूह बनाना है, ठीक है। हुण लिखो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सारे बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, सही समासी शब्द चुनो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सही समासी शब्द चुनो। फर्स्ट ऑप्शन, टाइटल दे लिया बेटे, बेटे सही समासी शब्द। फर्स्ट ऑप्शन इज नवा घर, एड़ा ऑप्शन इज साध देवते, एड़ी ऑप्शन इज दूध दही, सस्सा ऑप्शन इज लोहा पानी। करेक्ट ऑप्शन की होएगी, बाकी कोई भी समासी है? देखो नवा घर समासी नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव लग गया घर की विशेषता, ठीक है। साध देवते तो होंगे नहीं, साध संत होंगे, दोनों वखरे भी हो जाए पर लै ही नहीं बनती, समासी नहीं बनता। ये थोड़ी दोनों वखरे तो आप इन्होंने भिन्न भिन्न अर्थ कर देंगे, भिन्न भिन्न अर्थ भी नहीं बनता, क्योंकि बोलन विच असल विच समासी शब्द केड़े चूज करने ने, जिहड़े बोलन विच जिहड़े रूटीन च यूज होंगे ने, वरतों विच आते ने वर्ड्स, ठीक है। हुण लोहा पानी थोड़ी आप बोलते हैं, अन्न पानी तो बोलते हैं, रोटी पानी भी बोलते हैं, लोहा पानी का की मेल होया? वो कोई समासी शब्द होया? हाँ, दूध दही आप यूज करते हैं, इस करके करेक्ट समासी शब्द केड़ा होया? दूध दही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भिन्न भिन्न अर्थां वाला समासी शब्द चुनो।
भिन्न भिन्न अर्थां वाला समासी शब्द चुनो। देखो बेटे, फर्स्ट ऑप्शन इज साध चेला, गुरु चेला, नेक्स्ट है हाथ पैर, नेक्स्ट है पानी तानी, गुरु चेला रॉन्ग। विरोधी अर्थ है गुरु चेला, गुरु का विरोधी की हुंदा चेला, केड़ा आएगा हाथ पैर, हाथ अलग है पैर अलग है। अपा क्वेश्चन की सी भिन्न भिन्न अर्था वाला समासी शब्द, विरोधी अर्थ नहीं सी। हाँ जेड़े विरोधी अर्थ हुंदे ने वह हुंदे तो भिन्न भिन्न वर्ड ही है, देखो ना सवेर शाम भिन्न भिन्न ही है, पर वो विरोध है। ठीक है, हुन अग पानी है तो अग, देखो अलग चीज है अग, पानी अलग है, पर अग दियां लपटां उपर जांदियां पानी नीचे वहिंदा, ये विरोधी है। इहनू आपां भिन्न भिन्न च लवांगे, नो, भिन्न भिन्न च वह लैने ने जिहड़े विरोधी ना होण, पर जिन्हां दी लै भी बने, जिहड़े बोलण च भी आण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दाल रोटी है, ठीक है, दाल चावल आ सकदा, दाल चावल तुसी खांदे ही हो, ठीक है, क्लियर है, दाल सोना तो नहीं आ जाएगा ना, वो तो गलत हो जाएगा, समझ आ गई। हुण इहदे विच हाथ पैर ही आना, पानी ताणी तां है ही दोहराओ वाला, और गुरु चेला विरोधी साध चेला बंदा ही नहीं, ठीक है, सॉरी पानी ताणी सार्थक निरार्थक, पानी पानी जड़ा है दोहराओ वाला पानी पानी हो गया, पानी पानी की है ये, पानी ताणी है, पानी ताणी सार्थक निरार्थक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पानी दोहराओ, ठीक है, पानी पानी होना आपा मुहावरा भी किता, शर्मिंदा होना, जिवें वक वक हथों हथी, ये सारे की ने दोहराओ वाले समासी शब्द। नेक्स्ट लिखो, सोना चांदी भिन्न भिन्न, चांदी अलग है सोना अलग है, विरोधी विरोधी अर्थ नहीं है। हाँ तो फिर तो वो मेटल है पर भिन्न भिन्न है, वो विरोधी किवें हो गए, सोने नाल विरोधी बनता ही नहीं पिया कोई, अग दे नाल पानी बनता है। हाँ अन्न पानी आ गया फिर की बन गया, भिन्न भिन्न अर्थ, ते अग पानी आ गया फिर की बन गया, विरोधी अर्थ। सोना चांदी तो अलग अलग चीजा ने, दो हुण आपां दुध दही किता सी इहदे विच, इह भिन्न भिन्न अर्थ, देखो दुध अलग चीज है दही अलग चीज है, ये भिन्न भिन्न अर्थां वाला है। पर इत्थे आपां किस्म नहीं सी पुछी, इत्थे की पुछिया सी सही समासी शब्द। ठीक है, हुण अगे देखो, भिन्न 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 अर्थ विरोधी अर्थ किवें बन गया बेटे। अच्छा जी जे आ जांदा दुध चिट्टा फिर की बनना सी, वो तो दुध चिट्टा है, समान अर्थ, दुध भी हुंदा चिट्टा ही, ठीक है, ते जे काला चिट्टा आ जांदा विरोधी अर्थ, ठीक है, काला गोरा विरोधी अर्थ, इन्ना ध्यान रखना है, समझ आ गई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है टिकट घर दा शब्द समूह बनाओ, टिकट घर, टिकट अते घर, टिकटा वाला घर, टिकटा दा घर, टिकटा लई घर, टिकटा वाला घर, जिथों टिकटा मिलनी है, टिकटा दा बनिया होया घर नहीं है, टिकटा अते घर भी नहीं है, टिकटा वाला, देवी ते नाल वाला भी दो शब्द आने ही नहीं है, ये तो सेंटेंस वाक दा अंश बनाना है, वाकंशा वाला, टिकटा वाला घर, ठीक है, समझ आ गई बच्चे। इदा थोड़े जे दा ते वाला विच तुहानू कन्फ्यूजन आनी है। हुण जे आ जांदा भेड़ चाल दा शब्द समूह बनाओ, भेडा दी चाल, भेडा वर्गी चाल, भेडा वाली चाल, भेडा वर्गी चाल, भेडा वर्गी चाल,
ठीक है बच्चे, क्लियर है? समासी शब्द क्लियर हो गए सब नु? हुण आपां गल करिए मुहावरे। समासी शब्द सब नु हो गए क्लियर? किसे नु कोई डाउट होए समासी शब्द? हाँ जी भूमिका। यस बेटे भूमिका। मैम जेड़ा दाल सब्जी है वो किन्दे विच आएगा? दाल सब्जी बेटे पिन पिन अर्था वाला समासी शब्द, ठीक है बच्चे? दाल अलग है, सब्जी अलग है। दाल सब्जी तुसी केड़ी दाल सब्जी बनाई है? दाल अलग है, सब्जी अलग है, पिन पिन अर्थ। वो वाकंशा वाला जिदे च संबंधक लग गया तो वाकंशा वाला टिकट कर वाकंशा वाला। वो तुहानू मैं ऑलरेडी दस्या बेटे जिथे दादे दी संबंधक तो बिना होर जेडे मर्जी संबंधक आ जाण केड़ी किस्म होएगी? केड़ी किस्म होएगी? वाकंशा वाली। सिर्फ उर्दू फारसी विच केड़ा संबंधक लगता है? दा जा दी। फिर ओदी पहचान भी यही है कि जिदे विच पहला दो जोड़नी चिन्ह लगे होणगे। समझ आ गई? हुण आपां करिए मुहावरे रिवाइज। गग्गा ते घग्गा भाग जिहड़े कल दे टेस्ट आने ने, लिखो बेटे मुहावरा पूरा करो। पहला है मुहावरा पूरा करो, ध्यान नाल देखो। डैश तमाशा वेखना, मुहावरा पूरा करो। ऑप्शन इज गली वेख तमाशा वेखना, गली फूक तमाशा वेखना। सेकंड ऑप्शन इज खूब फूक तमाशा देखना। ईडी ऑप्शन इज घर फूक तमाशा वेखना। ससा ऑप्शन इज कम फूक तमाशा वेखना। घर फूक तमाशा वेखना। हुण आपां जे घर फूक तमाशा वेखना मुहावरा कर लिया, हुण इहदा मीनिंग भी कर लो। घर फूक तमाशा वेखना दा मीनिंग है, ऑप्शन देखो, नुकसान उठाना, नुकसान देना, नुकसान करके खुश होना, नुकसान करके दुखी होना, नुकसान करके खुश होना। ठीक है, क्लियर है? इसे मुहावरे नु लेके अपा लिसन, इसे मुहावरे नु लेके अपा की बना लिया? मीनिंग भी आ गया। किसी घर फूक तमाशा वेखना, हुण इहदा मीनिंग की होया? नुकसान करके खुश होना। हुण मीनिंग आ जांदा है नुकसान करके खुश होना, सही मुहावरा चुनो। उहदे च आ जांदा है कंगा होना, कख ना रहना, झुग्गा चोड़ होना, जां घर फूक तमाशा वेखना। देखो जिहड़े मैं मुहावरे बोले उहनां दा मीनिंग भी इही है, कंगा होना, नुकसान होना, ठीक है। कख ना रहना भी की है? तबाह हो जाना। झुग्गा चोड़ होना भी की है? तबाह हो जाना। पर घर फूक तमाशा वेखना ते कि नुकसान करके खुश होना। समझ आ गई? देखो एक मुहावरे दे नाल तुसी 5-7 मुहावरे रिवाइज कर ले। अगला देखो, नेक्स्ट मुहावरा देखो, गंढ दा पूरा होना। मुहावरे दा अर्थ दसो, चुनो। गंढ दा पूरा होना, मुहावरे दा अर्थ चुनो। उड़ा ऑप्शन इज वादे दा पूरा होना। एड़ा ऑप्शन इज धुन दा पक्का होना। ईड़ी ऑप्शन इज बहुत अमीर होना जा माला माल होना। सस्सा ऑप्शन इज झूठे होना। उड़ा ऑप्शन इज वादे दा पक्का होना। एड़ा ऑप्शन इज धुन दा पक्का होना, धुन मीन्स दृढ़ इरादे दा पक्का होना। ईड़ी ऑप्शन इज पक्का अमीर होना जा माला माल होना। सस्सा ऑप्शन इज झूठे होना, माला माल होना, जा बहुत अमीर होना। गंढ दा पूरा होना, नोट कर लो। जा आ जाएगा मुहा अर्थ दसो। गंढ दा पूरा होना की आएगा? बहुत अमीर होना। उत्थे अर्थ दिता होया, अर्थ दा मुहावरा चुनो। अर्थ की है? बहुत अमीर होना जो बहुत माला माल होना। इहदे लई मुहावरा चुनो। मुहावरा है खिल्ली उड़ाउणी,
गंढ का पूरा होना, ठीक है, गंढ देना, गंढ बननी, गंढ का पूरा होना, ठीक है। उल्टा भी करके देख लो मुहावरे किवें आने हैं, एक अर्थ का मुहावरा, एक मुहावरे का अर्थ, एक मुहावरा पूरा करो, ठीक है। नैक्सट देखो, हूँ आप गग्गा ते घग्गा पार करने ने, मैं तकरीबन सारे मुहावर के अर्थ बोल देनी, हम समझ लियो ओदे अकॉर्डिंग तुसी ऑप्शन करना है। नैक्सट है एक मिक होना, एक मिक नहीं, वो तो मीनिंग की है, फिर रल मिल के रहना मुहावरा थोड़ी है, वो तो फिर मीनिंग हो गया। एक मिक होना यह भी मीनिंग ही है, क्योंकि एक तो ईड़ी भाग थोड़े च मुहावरा ही नहीं है। इकट्ठे होना, एकता होनी, जा रल मिल के रहना, चार मीनिंग ने, चार मीनिंग ने। इन्हां लई मुहावरा कक्के तो लैके घग्गे तक चुनना, जो तुहाडे सिलेबस है तुसी फोकस करना है कक्के तो लैके घग्गे तक। इस लई गग्गा ते घग्गा भाग है, ठीक है, पर वैसे की है कक्के तो घग्गे तक, ठीक है बच्चे। की आना है बेटे, घुल मिल के रहना जा खंड खीर होना, घुल मिल के रहना जा खंड खीर होना। नेक्स्ट लिखो, हौली हौली गल्लां करनिया, अर्थ दा मुहावरा दसो, हौली हौली गल्लां करनिया, हौली हौली गल्लां करनिया, कन्न भरने, कन्न करने, घुर घुर करनी जा कुटे कुटे रहना, कुर कुर करनी, ते कुर कुर करनी दी थां ते जे आ जाए कुसर मुसर करनी, वो भी सेम, ठीक है, कुसर मुसर करनी भी सेम। कन्न भरने होंदे चुगली करनी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है घड़ियां पलां दा होना, घड़ियां पलां दा होना, मरन किनारे होना, की मीनिंग आएगा, मरन किनारे होना। खे उड़ानी, खिल्ली उड़ानी होंदा मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना, खे उड़ानी बेइज्जती करनी, बदनामी करवानी। इहदे नाल दा एक मुहावरा है कट्टा उड़ाना, सेम खे उड़ानी ते कट्टा उड़ाना दा मीनिंग सेम है। एक खखा भाग विच, इक घग्गा भाग विच, कट्टा उड़ाना मीन्स बदनामी करनी, बदनामी करवानी जां बदनामी करनी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है घर पाके बैठ जाना, घर पाके बैठ जाना, पक्का डेरा जमा लेना जां लंबे समय लई बह जाना, जो भी उहदे च ऑप्शन होएगा। घर बह के बैठ जाना मीन्स असर करना, असर करना, वादा पूरा करना, जां पक्का डेरा जमा लेना, केड़ी ऑप्शन आएगी, पक्का डेरा जमा लेना। नेक्स्ट है केसल मारनी, आपां कन्न केसल मारनी भी किया होया कक्का भाग विच, हुण कल्ला केसल मारनी दा भी मीनिंग सेम है, कौन दसेगा। केसल मारनी झूठे होना, शर्मिंदे होना, सुनी नूं अनसुनी करना, जां बहुत दुखी होना, सुनी नूं अनसुनी करना। इह कक्का भाग च की है कन्न केसल मारना, घग्गा भाग च की है केसल मारनी। सो तुसी बेटे कक्के तो घग्गे तक मुहावरे चंगी तरह रिवाइज करने हन, वो अर्थक शब्द करने हन, ठीक है, ते रचनावां, रचनावां केड़े केड़े रिवाइज करनियां ने, घर दा प्यार, बोली, सोक्यो मंदा आखिए, ते कृपा करके बख्श लियो। सोक्यो मंदा आखिए गुरु नानक देव जी दी आसा दी वार चो, गुरु अमरदास जी दी श्लोक 12 तो वधी चो, कृपा करके बख्श लियो। घर दा प्यार प्रिंसीपल तेजा सिंह, बोली गुरबख्श सिंह प्रीतलन, ठीक है बेटे, थैंक यू सो